दिल्ली के जमुना नदी में टूना अपने पति राजू और बेटी रानी के साथ रहती थी। पूरी नदी में दिवाली की धूम मची थी। बच्चों ने नए नए कपड़े पहन रखे थे। बच्चों के शोर शराबे से पूरा मोहल्ला गूंज रहा था। हर घर दीपों की रोशनी से झिलमिला रहा था। कहीं कहीं बिजली के बल्ब भी शान से टिमटिमा रहे थे। लेकिन इन सब रंगीनियों से बहुत दूर एक मकान लगभग ऐसा भी था जो अंधेरे में डूबा हुआ था। उस मकान में भी दो दिए जल रहे थे, लेकिन इस जगमगाहट में वो अलग ही लग रहे थे। किसी दूसरे को इस बात की खबर हो ना हो, लेकिन छोटी सी रानी को ये बहुत अजीब लग रहा था। वो सोच रही थी कि सोनू केकड़ा हम सब की तरह धूमधाम से दिवाली क्यों नहीं मनाते। रानी को अच्छी तरह से याद था कि सोनू केकड़ा ने पिछले साल भी दिए नहीं जलाए थे, और शायद उससे पिछले साल भी नहीं। रानी को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि आज के दिन कोई दुखी और उदास रहे। वे अच्छी तरह समझती थी कि जब कोई दुखी और उदास होता है तभी त्यौहार नहीं मनाता, लेकिन सोनू केकड़ा को क्या दुख है ये बात वे नहीं जानती थी। रानी ने फैसला किया कि वो जान के रहेगी कि सोनू केकड़ा को क्या दुख है, और यह सोच के वो अपनी माँ के पास जाती है। टूना उस समय रसोई घर में मिठाई तैयार कर रही थी। रानी को परेशान देखकर टूना ने उससे पूछा, क्या सोच रही हो रानी बेटा? माँ, सोनू केकड़ा हमारी तरह बहुत सारे दिए क्यों नहीं जलाते? वे बहुत दुखी हैं बेटा। उन्हें दिवाली का त्यौहार अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस दिन उनका इकलौता बेटा पटाखे चलाते समय मर गया। उसकी पत्नी भी नहीं है। बेचारा मेहनत मजदूरी करके गुजारा करता है। माँ, आप मुझे हमेशा कहती हो ना कि दीन दुखी की सेवा करनी चाहिए। मैं उनका बेटा तो नहीं बन पाऊंगी माँ, मगर बेटी तो बन ही सकती हूँ। क्या मैं उनकी बेटी बन जाऊँ? किसी अच्छे काम के लिए भला मैं क्यों मना करूँगी बेटा। टूना का ऐसा कहते ही रानी का चेहरा खिल उठा, और रानी फटाफट सोनू केकड़ा के घर की ओर भागी। लेकिन माँ की आवाज़ सुनकर उसे वापस लौटना पड़ा। बेटा, ऐसे किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। ये लो मिठाई, लेते जाओ। रानी ने टूना के हाथों में मिठाई का डब्बा दिया तो रानी को अपनी माँ पर बहुत गर्व हुआ। मिठाई का डब्बा लेकर वह सोनू केकड़ा के घर दौड़ी। खुशी के मारे उसके कदम धरती पर पड़ ही नहीं रहे। आज वे किसी बेसहारा का सहारा बनने जा रही थी। जैसे ही रानी सोनू केकड़ा के घर पहुंची, रानी ने देखा कि सोनू घर के बाहर किसी एक कोने में बैठकर रो रहा था। शायद उसे अपना बेटा याद आ रहा था। सोनू अंकल, आप रो रहे हो क्या? सोनू केकड़ा चुप बैठा रहा, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। रानी ने उसका हाथ झंझोर कर फिर से पूछा, बताइए ना सोनू अंकल, आपको क्या दुख है? लेकिन सोनू केकड़ा ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। अपने आंसू पोंछते हुए उसने रानी को बैठने के लिए कहा। सोनू अंकल, मैं जानती हूँ आप दिवाली के दिन बहुत सारे दीप क्यों नहीं जलाते, और आप अभी रो क्यों रहे हो? रानी की जिद के आगे आखिर सोनू केकड़ा को हार मानना ही पड़ा। उन्होंने बड़े ही प्यार से उससे कहा, जरा अपने बेटे की याद आ गई थी। आज अगर वो जिंदा होता तो वो भी तुम्हारे जितना ही होता। सोनू अंकल, अगर बेटा नहीं रहा तो क्या मैं आपकी बेटी नहीं बन सकती? मुझे अपनी बेटी बना लो सोनू अंकल, आज से मैं तुम्हारी बेटी हूँ। सोनू केकड़ा ने रानी को बड़े प्यार से गले से लगा लिया। आज सालों बाद सोनू केकड़ा के घर में भी दीप झिलमिला उठे। हर साल ना जाने कितने बच्चों को पटाखों की वजह से जान गंवानी पड़ती है, और कितने माँ बाप बेसहारा हो जाते हैं। तो बच्चों, आओ ये प्रॉमिस करें कि हम कभी भी पटाखे नहीं जलाएंगे, और कोशिश करेंगे कि अपने आसपास के दीन दुखी लोगों की मदद करें।